में आपका स्वागत है। देखिए नेट वाले सूट की कटिंग कैसे होगी। ये मैं नेट ले ली हूँ और ये अस्तर है, साटन का कपड़ा है ये। अब पहले इसको साइड में करते हैं और ये है इसके नाप का कटिंग करना है। इसको मैं उल्टे के साइड रख ली हूँ और इसको पहले देखना कितना है। अब इसको यहाँ पर चिटे पर रख रही हूँ, देख रहे हैं कितना सीना आ रहा है। इसमें आ रहा 17 इंच। कमर देखना कितना है, कमर है इसमें 14 इंच। हिप चेक करना कितना आ रहा है, मेरे मेजरमेंट पे आ रहा 17 इंच। और ऊपर से इसकी टोटल लंबाई देख रहे हैं कमीज की कितनी है। टोटल कमीज की लंबाई आ रहा है इसमें 34 इंच। गला इसमें गोल गला है, गला इसका थोड़ा सा छोटा बनाना है। इसको अब साइड में करते हैं और ये मैं नेट अस्तर ले ली हूँ और ये है नेट। पहले अस्तर पे कटिंग करना है, ये साटन का कपड़ा है। अब पहले आगे वाले पार्ट की कटिंग करना है। अब इसको मैं डबल फोल्ड में बिछा ले रही हूँ, इसको मैं डबल फोल्ड में बिछा ले रही हूँ। चौड़ाई चेक करना कितना आ रहा है, थोड़ा सा और कम करते हैं एक मिनट। इसमें घेरा भी देखना कितना है, ये घेरा भी चेक कर लेना है। इसका घेरा इसमें 18 इंच। अब इसको साइड में करती हूँ, थोड़ा सा और इसको पतला करती हूँ हल्का सा। अब गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2.5 इंच। गले की लंबाई मैं यहाँ पे ले रही हूँ 7 इंच। इसको सीधा एक बॉक्स बना देना है। शोल्डर मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 इंच। हारमोल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 6.5 इंच। सीना इसमें मैं ले रही हूँ 8.5 इंच। थोड़ा सा कम करते हैं, 8.5 इंच मैं ले रही हूँ। अब यहाँ से रखना इंच टेप, 13 इंच पे मार्का करना है, एक करना है 20 इंच पे। टोटल इसकी लंबाई 34 इंच था, यहाँ पे मैं 35 इंच पे मार्का लगा दे रही हूँ। अब यहाँ पे इसको एक सीधा यहाँ पे मार्का कर देना है 13 इंच पे, एक करना है 20 इंच पे। अब यहाँ कमर का चौथा हिस्सा मैं इसमें ले रही हूँ, यहाँ 7.5 इंच। हिप मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9 इंच। अभी इसको यहाँ पे ऐसे मार्का कर देना है, यहाँ 2-2 इंच स्टर लेना है। अब यहाँ फ्रंट में डाउन कर देना 0.5 इंच। अब यहाँ पे हारमोल गोलाई बना देना है। अब यहाँ घेरा मैं ले रही हूँ यहाँ पे 9 इंच। 18 इंच का तो था, यहाँ पे 9 इंच पे मैं मार्का लगा रही हूँ। और यहाँ से इसको सीधा मार्का कर देना है और यहाँ पे 2-2 इंच एक्स्ट्रा। अब इसको कटिंग करके निकाल देना है। यहाँ पे मैं इसमें भी गला बना रही हूँ। अब इसको कटिंग करके निकाल देना है, जैसे मार्का लगे ऐसे इसको कटिंग कर देना है। थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा कटिंग करके निकाल देना है नीचे के साइड। अब इसको जो बचा हुआ कपड़ा है ये पीछे वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेना है। इसको डबल फोल्ड में बिछा देना है बिल्कुल सेंटर से। Thank you.
अब इसके ऊपर इसको बिछा लेना है बिल्कुल सेंटर से। अब यहाँ से इसकी हारमोल की गोलाई, अब इसके ऊपर इसको बिछा के पीछे वाले पार्ट को भी कटिंग करके निकाल देना है। अब नीचे से भी कटिंग करके निकाल देना है। आगे पीछे पार्ट की दोनों की कटिंग। अब ये नेट को लेना है, अब इसको मैं डबल फोल्ड में बिछा दे रही हूँ। और एक बार चौड़ाई चेक कर लेना कितना है, ये चौड़ाई 10 इंच है, 10 इंच इसको भी ले लेना है। अब इसको नेट को मैं बिछा ली हूँ, नीचे का बॉर्डर है। अब इसको अस्तर को लेना और इसके ऊपर इसको बिछा देना है। अब मेन कपड़े पर अस्तर को बिछा दी हूँ। अब नेट को भी कटिंग करके निकाल देना है। जैसे अस्तर को कटिंग की, वैसे इसके ऊपर रख के इसको नेट को भी कटिंग करके निकाल देना है। अब इसके ऊपर रख के नेट को भी कटिंग करके निकाल देना है। अब इसको साइड में कर देना है। अब नेट की कटिंग हो गई, आगे वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। अब पीछे वाले पार्ट की कटिंग करना है। पीछे वाले पार्ट में नेट नहीं दिया, कपड़ा दिया है। अब पीछे वाले पार्ट को भी कटिंग कर लेना है। अब इसकी भी चौड़ाई चेक कर लेना कितना 10 इंच लेना है। अब इसके ऊपर इसको बिछा लेना है। अब नीचे के साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड के लिए। अब इसको बिल्कुल सेंटर से मिला लेना है। पीछे वाले पार्ट को भी कटिंग करके निकाल देना है। जैसे आगे वाले पार्ट की कटिंग, वैसे पीछे वाले पार्ट को भी कटिंग करके निकाल देना है। अब इसको साइड में कर देना है। एक फुट का यहाँ पे लगा देना है, एक फुट का कमर पे लगाना है, एक फुट का हिप पे लगा देना है, एक फुट का इसके नीचे लगा देना है। अब यहाँ पे हारमोल की गोलाई चेक कर लेना कितना है। अब यहाँ पे इंची टेप रखना, हारमोल की गोलाई चेक कर लेना कितना है। आगे वाले पार्ट में मैं बकरम पे गला बनाऊंगी। पीछे वाले पार्ट में गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2.5 इंच, गले की लंबाई मैं ले रही हूँ 6 इंच। यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना देना है। यहाँ पे मैं गोल गला बना रही हूँ। अब इसको कटिंग करके निकाल देना है। पीछे वाले पार्ट की भी कटिंग हो गई है, आगे वाले पार्ट की भी कटिंग हो गई है।
अभी इसकी कटिंग हो गई है, अभी इसको बाजू की कटिंग करना है। अब इसको साइड में करती हूँ, जब स्टिच करूँगी तो दिखाऊंगी आपको। बिल्कुल जैसे नॉर्मल सूट स्टिच करते ऐसे इसको भी कर लेना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है नेट वाला कुर्ती। अब इसको साइड में करती हूँ और जो बचे हुआ कपड़ा इसमें बाजू की कटिंग करना है। अब इसको डबल फोल्ड में मैं कर ली हूँ, इसको चार फोल्ड में मैं कर ली हूँ। हारमूल की गुलाई फिर से देख रहे हैं कितना है। अब एक अच्छे कर लेना है, यहाँ पे इंची टेप रखना है, देखना हारमूल की गुलाई कितना आ रहा है। मेरे मेजरमेंट में आ रहा 9.5 इंच। अब इसको साइड में कर देना है, यहाँ पे चेक कर रहे हैं कितना है। यहाँ पे थोड़ा सा कम कपड़ा करना है, यहाँ पे इसको दो फोल्ड में बिछा ली, फिर एक फोल्ड और कर ली तो चार फोल्ड हो गया। अब टोटल देखती हूँ इसकी चौड़ाई कितना है। ये आ रहा है इसमें 9 इंच, थोड़ा सॉरी मैं बढ़ाती हूँ कपड़े को। अब देख रहे हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10 इंच है। अब इसको चार फोल्ड में मैं बिछा ली हूँ। अब टोटल इसकी लंबाई मैं ले रही हूँ, टोटल लंबाई मैं इसकी 18 इंच बनाऊंगी। इसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्ड के लिए। अब यहाँ से इसको सीधा मार्कर कर देना है। अब यहाँ से मैं इसमें ले रही हूँ 3 इंच, इसको भी सीधा मार्कर कर देना है। आगे की मोहड़ी ले रही हूँ मैं गुलाई 5 इंच। अब इसको यहाँ पे सीधा इसको कर देना है मार्कर। अब यहाँ पे यहाँ से इंची टेप रखना, देखना है 9.5 इंच कहाँ आ रहा है। यहाँ पे मैं मार्कर कर दे रही हूँ। अब यहाँ से हारमूल की गुलाई बनाते जाना है। अब यहाँ से मैं ले रही हूँ 2 इंच फोल्ड के लिए, इसको भी सीधा मार्कर कर देना है। यहाँ पे 2-2 इंच इस तरह लेना है। अब इसको जैसे मार्कर लगा ऐसे इसको कटिंग करके निकाल देना है। अब यहाँ भी इस तरह कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। अब एक कुटका यहाँ पे लगा देना हारमूल की गुलाई पे, एक कुटका यहाँ फोल्ड पे लगा देना है और 1/2 इंच फ्रंट में डाउन कर देना है। दो पार्ट को लेना है। अब इसको साइड में कर देना है। अब पूरे सूट की कटिंग हो गई, इस तरह कपड़े को साइड में कर देना है आगे और पीछे पार्ट की। हाय फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।